अरे हितांशु को तो ट्यूशन छुट्टी कितना टाइम हो गया है, रोज तो ये वक्त पे आ जाती है, आज अभी तक आई क्यों नहीं? हितांशी यहाँ आओ। हाँ जी मम्मी बोलिए। मम्मी की बच्ची पहले ये बता कि तुझे ट्यूशन से आने में इतना लेट क्यों हो गया? वो मैं सुहानी दीदी के घर खेलने चली गई थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना कि उस सुहानी के साथ ज्यादा मत रहा कर, तुझे पता है ना वो कैसी है? लेकिन सुहानी दीदी तो बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है, तू क्या उसको मुझसे ज्यादा जानती है? वो हमेशा पूरे दिन यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमती रहती है और उसके जितने भी दोस्त है ना वो सब बिगड़ेल है। लेकिन मैंने तो कभी उनके साथ ऐसे दोस्त नहीं देखे। जरूर आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो हर रोज उनके साथ ही ट्यूशन जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके साथ ट्यूशन जाने की, तू बस इतना समझ ले कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सुहानी दीदी को गलत समझ रहे हो। अच्छा तो अब तू मुझे सही और गलत का फर्क बताएगी? जितना बोला जाए उतना कर, ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे अब इस बात पे कोई बहस नहीं करनी, दोबारा अगर तू सुहानी के साथ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल अब जाए यहाँ से। अरे आंटी हितांशी कहाँ है? अरे तू यहाँ क्या काम है तुझे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? वो आंटी आज मेरा बर्थडे ना, तो हम दोनों आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं। देख सुहानी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तू मेरी बेटी के साथ बाहर घूमने जाए, समझी तू? लेकिन आंटी मैंने क्या किया? अरे दीदी आप आ गए, चलो हम चलते हैं। ए रुक, कहीं नहीं जाना है। अरे मम्मी आज तो जाने दो, आज तो दीदी का बर्थडे है ना। लेकिन आंटी आप इसे आने क्यों नहीं दे रहे हो? देख सुहानी तू जैसी लड़की को मैं सफाई देना जरूरी नहीं समझती, समझी तू? चल अब जाए यहाँ से, तू अंदर जाके पढ़ाई कर। पापा पापा। हाँ बोलो बेटी। वो मुझे है ना न्यू स्केच पेन और नोटबुक चाहिए, तो आप उसके लिए 100 रुपए दो ना। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये लो 200 रुपए। कोई जरूरत नहीं है इसको पैसे देने की। तुम इससे पैसे क्यों छीन रही हो? मैंने उसे स्केच पेन और नोटबुक लाने के लिए दिए थे। अरे तुषार आप नहीं जानते, इसे पैसे बुक्स के लिए चाहिए, इसके वो आवारा दोस्त है ना सुहानी, उसके साथ फालतू खर्च करने के लिए चाहिए पैसे। आवारा दोस्त? हितांशी तुम एक आवारा लड़की के साथ घूमती हो? नहीं पापा सुहानी दीदी ऐसी नहीं, हम तो सिर्फ बुक खरीदने जा रहे थे। ए तो चुप कर, अब तू उसके साथ रह के झूठ भी बोलने लगी है। मम्मी मम्मी मुझे 500 रुपए चाहिए। क्या तुम्हें 500 रुपए क्यों चाहिए? अरे तुषार जरा प्यार से पूछिए ना, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा क्यों चाहिए 500 रुपया? मम्मी आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो हम सब फ्रेंड्स मिलकर मंदिर जा रहे हैं गरीब बच्चों को खाना खिलाने। अरे वाह बेटा ये तो बहुत नेक का काम है। एक काम करिए तुषार, 500 रुपया नहीं इसे 1000 रुपए दे दीजिए। अरे तुम इसको 1000 रुपए क्यों दे रही हो? 500 रुपए मांगे ना 500 ही दो। अरे आपको नहीं देना है तो साफ साफ मना कर दीजिए ना। चलो बेटा मैं दे देती हूँ, और तुम देखो अपने भाई को कितने संस्कारी दोस्तों के साथ रहता है, और तू उस आवारा सुहानी के साथ। चलो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से 200 रुपए दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो। मिल गई, चल मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे नहीं नहीं मेरी मम्मी ने तेरे साथ कहीं जाने के लिए मना किया है। अरे वो सब तू छोड़, चल मेरे साथ में चल। अरे लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो? ये देख तेरा भाई, ये तो प्रियांशु भैया है। ये हर रोज आके पैसे लगा के पत्ते खेलता है और इन बदमाशों के साथ सिगरेट भी पीता है। ये बात मम्मी को बतानी पड़ेगी, आप चलो। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? उस दिन इतना मना किया फिर भी तुम उठा के यहाँ पे आ गई। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। अब क्या सुनना बाकी है, चल बता जल्दी से। वो आंटी आपका बेटा प्रियांक बहुत ही बदमाश लड़कों के साथ घूमता है। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कहने की? वो मम्मी मैंने भी देखा कि प्रियांक भैया कुछ लोगों के साथ पत्ते भी खेल रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे।
चुप कर, झूठी कहीं की। अपनी गलती छुपाने के लिए तू अपने भाई को बदनाम कर रही है। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी मैं आ गया। पहले ये बता, ये तेरी बहन क्या कह रही है कि तू कहीं पत्ते खेल रहा था? क्या, मैं और पत्ते? मम्मी मैं तो मंदिर गया था, ये लो प्रसाद। देख सच बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बेटा तुम रो मत, सुहानी तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर आके मेरे बेटे को धमका रही है। तू निकल जा यहाँ से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, जल्दी से जा यहाँ से। आजा बेटा रो मत। और हितांशी तू भी ध्यान से मेरी बात सुन ले, अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब चल जा यहाँ से। तुषार अच्छा हो आप जल्दी आ गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? मेरे लाख मना करने पर भी ये लड़की सुहानी के साथ घूमती रहती है, और आज तो इसने झूठ बोलने की हद ही पार कर दी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। आपकी ये बेटी कहती है कि हमारा बेटा प्रियांक सिगरेट पीता है, पत्ते खेलता है और गुंडों के साथ रहता है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि हितांशी झूठ बोल रही है, अगर उसकी बात सच निकली तो? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी के कहने पे अपने हीरे जैसे बेटे पे शक करूँ, सच्चाई मैं बखूबी जानती हूँ। लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रही हो। अरे छोड़िए आपसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो जाओ। मम्मी पकड़ चढ़िए ना तुझे। क्या ये मम्मी पकड़ो अपने बच्चे को। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हैं मेरे फूल जैसे बेटे को? तुम्हारा बेटा ना इसी लायक है, आज इसका ऐसा हल करूंगा कि कभी नहीं भूलेगा। अरे अरे लेकिन मेरे बेटे ने किया क्या है जो आप इससे इतना मार रहे हैं? क्या किया है इसने? अरे हितांशी उस दिन सच कह रही थी, मैंने इसे रंगे हाथ पत्ते खेलते हुए पकड़ा है, यहाँ तक कि ये सिगरेट भी पी रहा था। हे भगवान ये क्या कह रहे हो आप? अगर अभी भी तुम्हें अपने लाडले की करतूत पर यकीन ना हो ना तो ये देखो उसका वीडियो। लेकिन तुषार आपको ये सब कैसे पता चला? आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ पाया हूँ सिर्फ सुहानी और हितांशी के कारण। क्या वो कैसे? लेकिन अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल कब से हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। क्या हुआ? पापा मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या हुआ बोलो ना। अरे नहीं नहीं पापा जल्दी चलो, वो देखो पापा। क्या हो रहा है ये सब, तू क्या कर रहा है ये? पापा चल यहाँ से, चल रश्मि। जिस सुहानी को तुम बार बार गलत समझ रही थी आज उसी के कारण तुम्हारे बेटे की काली करतूतें हमारे सामने आई है, वरना पता नहीं इसे और कितनी गलत आदतें लग जाती। इतनी हिम्मत। बस रहने दो, मैं उसे ऑलरेडी सजा दे चुका हूँ। चुप करो बेटा, अब चुप हो जाओ। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैं बुरी संगत में बह गया था, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हितांशी तू ही बोलना मम्मी पापा को कि मुझे माफ कर दे। पापा मम्मी भैया को प्लीज माफ कर दो, भैया अगली बार से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हितांशी सुहानी मैंने हमेशा तुम दोनों को गलत समझा, लेकिन आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा गलत संगत से बच गया, मुझे तुम दोनों पे गर्व है बेटा।